गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया के भेद, यानी हम पढ़ रहे थे क्रिया, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद, यानी क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? नंबर एक सकर्मक क्रिया, नंबर दो अकर्मक क्रिया। यानी क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला हमारा है सकर्मक क्रिया, यानी सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका है जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिवम पुस्तक पढ़ रहा है, क्या है? शिवम पुस्तक पढ़ रहा है। अगला उदाहरण है मम्मी ने खाना बनाया, क्या है? मम्मी ने खाना बनाया। तो बच्चों इन वाक्य में क्या है? शिवम क्या पढ़ रहा है, यानी शिवम पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है ये क्या है? हमारी क्रिया है। पढ़ रहा है ये क्या है? हमारी क्रिया है। तो बच्चों क्या पढ़ रहा है, तो क्या क्या में क्या आएगा? क्या पढ़ रहा है? वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक हमारा क्या होगा? कर्म हो जाएगा। पुस्तक क्या होगा? कर्म। अगला है मम्मी ने खाना बनाया, तो बनाना यहाँ पर क्या है? क्रिया। तो बच्चों मम्मी ने क्या बनाया? खाना। क्या बनाया? खाना। तो खाना यहाँ पर क्या होगा? हमारा कर्म हो जाएगा। तो शिवम वाले में पुस्तक कर्म होगा और मम्मी वाले में खाना कर्म होगा। यानी ये जो वाक्य हैं इनमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। याद रखिए सकर्मक क्रिया के साथ क्या या किसको, क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, जो उत्तर मिलता है वही क्या होता है? कर्म होता है। जैसे इसमें ऊपर वाला उदाहरण था शिवम क्या पढ़ रहा है, क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है उदाहरण शिवम पुस्तक पढ़ रहा है। तो हम क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे शिवम क्या पढ़ रहा है, तो क्या से हमें उत्तर मिला? शिवम पुस्तक पढ़ रहा है। जो हमें उत्तर मिलता है वही क्या होता है? कर्म होता है। अब हम देखते हैं कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। यानी सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, नंबर एक एककर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम एककर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जिस सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म आता है उसे एककर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म आएंगे वो क्या कहलाएंगे? द्विकर्मक क्रिया। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं, मैंने पाठ याद किया, मैंने क्या याद किया? पाठ। यहाँ पर एक, यानी याद करना क्या है? हमारी क्रिया है। तो क्रिया के साथ एक कर्म आया है, मैंने क्या याद किया? पाठ, पाठ याद किया। तो ये हमारा क्या होगा? एक कर्मक क्रिया। अगला है लड़के खेल क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिया क्या है? खेलना। लड़के क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो यहाँ पर एक कर्म हुआ। जो ये रंगीन शब्द हैं ये हमारे क्या हैं? एक कर्मक क्रिया, यानी एक कर्म है ये हमारे। अगला है किसान ने खेत जोता, जोतना क्या है? क्रिया है। किसान ने क्या जोता? खेत जोता। तो यहाँ पर खेत क्या है? हमारा कर्म है। इसके बाद हम देखते हैं द्विकर्मक क्रिया, यानी सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया की डेफिनेशन है जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं, यानी एक कर्मक में क्या था? एक कर्म था और इसमें दो कर्म आते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है हमारा जैसे उसने मुझे पुस्तक दी, काम क्या है? देना। क्रिया क्या है? देना। उसने मुझे,
क्या था, किसको और क्या नाम से हम प्रश्न करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा वो क्या कहलाएगा, सकर्मक क्रिया। तो उसने मुझे पुस्तक दी, यानी उसने क्या दी, पुस्तक किसको, मुझे, यानी किसको और क्या दोनों से यहाँ पर उत्तर मिल रहे हैं, तो वो कौन सा क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण है हमारा, हमने तुम्हें गाना सिखाया, हमने तुम्हें गाना सिखाया, हमने क्या सिखाया, गाना, किसको सिखाया, तुम्हें, यानी दोनों से यहाँ पर उत्तर मिल रहे हैं, तो क्या हुआ है, द्विकर्मक क्रिया। अगला है हमारा, अध्यापक ने हमें पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने क्या पढ़ाया, क्रिया क्या है हमारी, पढ़ाया, पढ़ाना, तो यहाँ पर क्या हुआ, अध्यापक ने क्या पढ़ाया, पाठ, किसको पढ़ाया, हमें, तो ये यहाँ पर दोनों यानी किसको और क्या से उत्तर मिल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, द्विकर्मक क्रिया। यानी ये जो रंगीन शब्द हैं इनमें क्या है, ये दोनों क्या है हमारे, दो दो कर्म हैं। अगला हम देखते हैं अकर्मक क्रिया, यानी क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं, एक चित्र है उसमें एक बच्चा क्या है, हंस रहा है। तो बच्चों ये क्या है, कान्हा हंस रहा है, क्रिया क्या है, हंसना, क्रिया क्या है, हंसना। तो हम यहाँ पर उत्तर क्वेश्चन करेंगे, कान्हा क्या हंस रहा है, नहीं मिल रहा आंसर, कान्हा किसको हंस रहा है, यहाँ पर कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो ये हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके साथ कोई कर्म नहीं जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं हम, लड़के मैदान में खेलते हैं, लड़के मैदान में खेलते हैं, क्रिया क्या है, खेलना, लड़के क्या खेलते हैं, कोई आंसर नहीं है, लड़के किसको खेलते हैं, कोई आंसर नहीं है, तो ये मतलब ये क्या हुआ हमारा, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके साथ कोई कर्म नहीं है। यानी ये जो हमारे वाक्य दिए गए हैं इनमें क्या है, कर्म नहीं है, यानी इसके साथ कोई भी कर्म नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं के साथ क्या और किसको लगाकर कोई प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया, और उत्तर मिलेगा तो होगा सकर्मक क्रिया। तो बच्चों आज हमारा लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा, क्रिया की डेफिनेशन पढ़ी, जैसे जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बनता, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया विकारी शब्द है, इसमें लिंग वचन और कारक के कारण विकार आ जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला है, सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ये हमने इस लेसन में पढ़ा है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, अब हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिए हुए हैं उनके आंसर आपको लिखने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको आंसर लिखकर दिखाया है, आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिया किसे कहते हैं, इसका आंसर है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया की डेफिनेशन पूछी है तो हमें बताना है, जिन शब्दों से क्रिया किसी काम का करना या होना बोध पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अगला छह नंबर क्वेश्चन है हमारा, धातु किसे कहते हैं, तो बच्चों क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके कारण क्रिया में परिवर्तन आ जाता है? तो बच्चों, लिंग, वचन और कारक के कारण क्या होता है, क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सकर्मक क्रिया के दो भेद, सॉरी सकर्मक क्रिया के कौन से भेद होते हैं, यानी सकर्मक क्रिया के भेद बताने हैं जो कि हमें हमने अभी अभी पढ़ा है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो बच्चों, ये जो अभ्यास कार्य है ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है, और जो मैंने लेसन में पढ़ा है उसे आपको लर्न करना है, यानी जो भी मैंने इस लेसन में आपको पढ़ा है उसे आप रीड करोगे, और जो भी क्वेश्चन आंसर है उन्हें आप लर्न करोगे और अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। फेयर नोटबुक में सिर्फ आपको अभ्यास कार्य लिखना है और बाकी आपको लर्न करना है। धन्यवाद।